बहुत सारे लोग हैं जो नेट क्लियर कर लेते हैं बट उनको उसके बाद का रास्ता नहीं पता होता है कि करना क्या है और एक्चुअली में कैसे करना है। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बहुत अलग हैं। यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम है जो एकेडमिक्स एग्जाम कहा जा सकता है बिकॉज दिस इज अबाउट क्रिएटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये आपको एलिजिबल बनाने के काम में आने वाला काम है। वेयर एज बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मोटिव होता है कि आपका एग्जाम लिया जाएगा फिर आपको वैकेंसी के अकॉर्डिंग जॉब दे दी जाएगी, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इट इज अबाउट क्रिएटिंग एलिजिबिलिटी, आपको एलिजिबल बनाना है इन ऑर्डर टू बिकम अ टीचर और अ रिसर्चर और भी जो भी वैकेंसीज जो भी पोस्ट आप लोगों के यहाँ पर निकलते हैं उन सब के अंदर। तो आज इन्हीं पे हम लोग बात करने वाले हैं। ऑफकोर्स मेरे साथ में जो हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को जल्दी से बता देती हूँ, बाकी तो ऑफकोर्स वो ही टेक ओवर कर लेंगी। और बात ऐसी है कि भव्या हमारे साथ में है और भव्या का एक्सपीरियंस और मैंने जो भी 2-2.5 साल के अंदर सीखा है वो दोनों ही चीज़ें हम क्लब करके आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों को जब मैं बात करती हूँ नेट के बारे में तो लगता है कि मैं क्योंकि नेट पढ़ा रही हूँ या किया है JRF तो मैं थोड़ी बायस्ड होंगी इस फील्ड को लेकर, इसलिए मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं है, मैं एक बिल्कुल नॉन वाला पार्ट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जो नेट नहीं है, है ना, वो बिना नेट के कहाँ पे कहाँ काम कर रही है, क्या एक्सपीरियंस उसने गेन किया है, कैसे काम किया है उसने, वो सब। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरी वन। तो मैं बहुत क्लियर कर दूं, नीदर आई एम JRF नीदर आई एम नेट। ओके सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर, आई विल नॉट बी बायस। ओके सो आई विल बी हेल्पिंग यू बोथ द पीपल हु आर नॉन इवन नॉन नेट ऑल्सो और इवन हु हैव डन नेट ऑल्सो। सो आई विल स्ट्रेट अवे डाइव इन टू वॉट माई एक्सपीरियंस इज। आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विथ IIM। Purely two first 2 years I have worked with IIM Indore purely into the academics as a teaching assistant, where I was helping out the MBA persons and the PhD or you can say FPM scholars ki kaise research ki ja sakti hai, kaise coursework ko develop kiya ja sakta hai. Currently I am working with IIM Udaipur again purely into academics cum administration since last couple of 6-7 months. Thirdly, I have furthermore offered from IIM Bangalore, same into the academics line as a pedagogical research associate. So these are my 3 years of experience and working with IIM. So I have basically pitched out IIM Indore, IIM Udaipur, as well as IIM Bangalore. So I'll be very clear in it. So baki ka furthermore discussion we'll continue in the further conversation, but we'll go with Aditi madam. So over to you again. JRF के बाद में सभी को ये लगता है कि अब तो PhD करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ये सारी चीजें हैं वो जो होता है ना स्क्रिप्टेड चीजें, कि वो स्क्रिप्ट क्रिएट कर दी गई है कि आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। जैसे 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, फिर नौकरी करी या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर नौकरी करी, ये सारी चीजें चलती है। बट ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। पिछले 2.5 साल में मैं भी वही कर रही हूँ जो आज मैं आपको करने सिखा रही हूँ, दैट इज रिसर्च। कि आप जो करना चाहते हो, जिस फील्ड में आगे जाना चाहते हो, उस फील्ड के बारे में आप कितना जानते हो, और वही चीज़ बताने के लिए मैं आज इसको भी लेके आई हूँ साथ में। क्योंकि मैं तो बोलते बोलते थक गई हूँ, बट मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दिया जितना मेरे से बन पाया। अब मैं चाहती हूँ कि हम कुछ कॉन्क्रीट नोशंस पे बात करें और बच्चों को फाइनली पता चले कि एक्चुअली करना क्या है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इनको बोल देती हूँ कि रिसर्च पेपर आप लिखना स्टार्ट करो या रिसर्च प्रपोजल बनाना स्टार्ट करो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट एक्चुअली में कॉन्क्रीट तरीके से जब लिखने बैठते हैं ना, तब 10 चीज़ें दिमाग में आती है कि अरे ये क्या करना है, ऐसे कैसे करना है, वो क्या करना है, ये सारी चीज़ें, ये सारी कहानी भी साथ में आती है। तो वही सारी चीज़ें कॉन्क्रीट बातें करने के लिए आज हम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं और मोटिव यही है कि आप लोगों को हम समझा सके कि क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बेटर पिक्चर देना, हाँ, और क्या आप मिस कर रहे हो। बहुत सारे लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो चीज आप मिस ना करें। तो स्टार्टिंग विद ऑफ कोर्स जो दो ब्रॉडर डोमेन्स यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि नेट एग्जाम क्लियर करके या तो आप टीचिंग फील्ड में आगे जाते हैं, ऑब्वियसली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज अबाउट क्रिएटिंग एलिजिबिलिटी फॉर टीचिंग एग्जामिनेशन, और टीचिंग के साथ साथ हमारे पास में आता है एक ऑल्टरनेटिव, दैट इज रिसर्च। कि अगर आप रिसर्च में आगे जाना चाहते हो, क्योंकि हायर एजुकेशन का एम्फेसिस इसी पे है कि हायर एजुकेशन या हायर लर्निंग ऑफ एनीथिंग जो हमारे देश में चल रही है, हायर एजुकेशन सिस्टम हमारा जो चल रहा है, दिस इज वो एंड पॉइंट जो है वो है आपका रिसर्च।
तो आप रिसर्च पोस्ट पे जा सकते हो। बट इन दोनों के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो हमको पता चला कि कैसे आप PSUs में जा सकते हो, कैसे आप प्रोजेक्ट एसोसिएट के तौर पर काम कर सकते हो जो कि टोटली इंडिविजुअल पर्पज पर चलता है। किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको कुछ नहीं जाना है या कुछ नहीं करना है। फ्री जॉब अलर्ट नाम की वेबसाइट्स होती हैं, उन पर रोज अलर्ट्स आते हैं, आप वहाँ पर जा सकते हो, राइट। इसके अलावा आप लोगों के पास में और भी बहुत सारे प्राइवेट मेथड्स हैं, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड्स है। प्राइवेट से बेहतर है कि मैं इंडिविजुअलाइज्ड बोलूँ, ये वर्ड बोलूँ, तो आप अपने आप से भी, खुद से भी अपने आप का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ लेके जा सकते हो। और ये सारी के सारी चीज़ें हम आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद द सेंट्रल पॉइंट और सेंट्रल आइडिया जो है कि टीचिंग। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स टीचिंग के बारे में ही हम लोगों को बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जो मुझे लगता है कि 80% लोग जो नेट का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं या नेट दे रहे हैं वो टीचिंग में जाना चाहते हैं। तो टीचिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास तीन मेजर डोमेन होती है। एक होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, फिर उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, और फिर फाइनली आप बनते हो प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर वाली बात मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं स्पेशली फ्रेशर्स को। और ये फ्रेशर्स वो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने ऑफकोर्स अपने मास्टर्स के साथ एग्जाम निकाला है, उसके बाद में एग्जाम निकाला है, या फिर यू नो अभी जस्ट उन्होंने अपना बीटेक वगैरह कंप्लीट किया है, 4 साल की या 3 साल वाली डिग्री कंप्लीट करके, और उन्होंने नेट का एग्जाम फेस किया, नेट का एग्जाम निकल गया। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल JRF नहीं भी निकला है, तो भी क्या वो एक बच्चा जो नेट क्वालिफाई कर चुका है उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना का क्या वे हो सकता है? क्या अब वो सिर्फ दोबारा से JRF की जर्नी पे लग जाए? क्या ऐसी सारी चीज़ें हैं वो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद ऑफकोर्स बेसिक चीज़ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल बन पोस्ट लग जाएगी, बट ये सिर्फ एक पाथ है। इसका जो दूसरा पहलू है, मैं चाहती हूँ कि भव्या उसके बारे में बात करें कि दिस इज़ नॉट जस्ट द पाथ कि आप बस इस तरीके से आप जा सकते हो, ये तो वो यूनानिमस तरीका है जो हम सबको पता है, बट इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है और उसके बारे में मुझे लगता है भव्या को अभी बात करनी चाहिए। ओवर टू यू भव्या। थैंक्स। लाइक जैसे कि अभी अपन ने टीचिंग की बात की, तो लाइक मेरा जो पर्सपेक्टिव ये कहता है जो भी फ्रेशर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, अगर हम उन्हें फर्स्टली पिच करते हैं तो सबका थोड़ा सा माइंड में ये नॉन क्लैरिटी रहती है कि हाउ कैन वी फेस द ऑडियंस, हाउ कैन वी लाइक क्वेश्चन, लाइक आंसर देयर क्वेश्चंस और समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत बड़ा एक नोशन रहता है कि हम एकदम सडनली कैसे जाके पब्लिक को पिच करेंगे। तो आई हैव वन ग्रेटर पॉइंट दैट कैन हेल्प एवरी न्यू कमर बिफोर स्टार्टिंग देयर टीचिंग जर्नी। लाइक if you have a non clarity how can we face public or how can we take up the questions from public, I would seriously suggest every newcomer that every B schools, if we talk about IITs or IIM, since I'm working with IIMs only last couple of 3 years, so mera ye sabke liye ek feedback rahega ki aap FDP programs ko join kijiye, which are mainly 6 months or 3 months FDP programs hote hain, jo ki aapko जो बहुत एक्सपीरियंस इंडिया के रिसर्च स्कॉलर्स रहे हैं या जो फैकल्टीज रहे हैं, वर्ल्ड मोस्ट फेमस फैकल्टीज रहे हैं, दे आर गोइंग टू टीच यू द FDP प्रोग्राम्स। सो FDP प्रोग्राम इज एंटायरली बेस्ड अपॉन हाउ टू चूज अ करेक्ट करियर पाथ, हाउ टू परस्यू PhD, एक रिसर्च कैसे लिखी जाती है, हाउ टू पिच द कंटेंट। सो अगर किसी को ये चीज़ की क्लैरिटी है कि मैं किसी से बात करने में हिचकिचा रहा हूँ, मैं अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ, my first feedback would for everyone would be aap FDP join kijiye. That's an yearly program of all IITs and IIMs. There are more than 20 IIMs, more than 20 IITs all over India. And ye har every 6 months or 7 months FDP programs nikalte hain. You can search on the website. There are many IITs and IIMs. IIM Indore, IIM Udaipur, IIM Ahmedabad, IIM Calcutta. And if you are net qualified person, so it is very easy for you to fetch the seats into FDP programs. और यहाँ बहुत multiple programs होते हैं, बहुत minimal ranges में होते हैं, you can go with that. सबसे बड़ा benefit इस चीज़ का ये होता है जो मैंने भी सीखा है personally, although I have not attended the FDP program, आपकी networking बहुत अच्छी बन जाएगी. And once आपकी networking काफ़ी अच्छी बन जाएगी, you can collab with the professors, आप अपना individual research carry on कर सकते हैं उनकी guidance में लेके. तो जैसे ही आप एक research पे आएंगे, रिसर्च लिखने की बात आएगी, तो आपको वैसे ही स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी मिलती जाएगी दैट हाउ वी कैन पिच IITs और IIMs टू गेट इनटू एनी PhD और FPM प्रोग्राम। FPM इज एन ऑल्टरनेटिव टू PhD प्रोग्राम्स, दैट इज फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट।
ये दोनों के लिए है. इट्स नॉट ओनली द मैनेजमेंट पार्ट स्टूडेंट, इट्स आल्सो फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आल्सो. तो सबसे पहला पॉइंट है आपको करेक्ट नेटवर्किंग को पिच करना है, हम कहाँ फिट इन हो रहे हैं उस चीज को चूज आउट करना है. ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट रहा. सेकेंड पॉइंट बच्चों में ये रहता है कि नेट हो गया, वी आर टारगेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. चूंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ना मैंने नेट किया है, ना मैंने JRF किया है, ना मैंने कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स किए हैं. सून आफ्टर माई मास्टर्स आई हैव ज्वाइंड IIM इंदौर इन एरिया ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च असिस्टेंट. तो मेरा पर्सनल डोमेन रहा है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. तो अब लोग का क्वेश्चन ये आता है कि हम IITs में IIMs में विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड कैसे जा सकते हैं. ठीक है, तो मेरा भी कोई लाइक पर्सनल इंडिविजुअल पे मेरा भी कोई ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं रहा है सून आफ्टर मास्टर्स. ठीक है, द ओनली थिंग दैट बच्चों में डिलेमा ये होता है कि हमारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्या हम लोग जो पैनल में बैठा है उसको कन्विंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, क्या वो कन्विंस्ड हो पाएंगे हमारे आंसर से, नहीं हो पाएंगे. तो इसका एक ही कॉन्क्रीट आंसर है दैट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ इन योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इट इज वेरी इजी फॉर बोथ द मैनेजमेंट एज वेल एज जो बीटेक वाले बच्चे हैं, BSc वाले बच्चे हैं. इट्स वेरी इजी टू फेच अ रोल ऑफ टीचिंग असिस्टेंट और आई वुड से एकेडमिक असिस्टेंट कोई भी IITs या IIMs में. वंस यू आर इनटू लाइक एनी ऑफ द बी स्कूल्स, ऑब्वियसली इट्स अ ब्रांड नेम, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू वर्क विद द बेस्ट माइंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने 2 साल काम किया है विद वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एरिया, जहां से मुझे बहुत ग्रेटर पिक्चर मिले. क्योंकि जब मैं और अदिति मैडम कॉन्वर्सेशन करते हैं, मेरा भी यही हमेशा आउटलुक रहता है कि अब कैसे करना है, कि अब क्या किया जाए. ये मेरा भी डिलेमा था कि अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए, मुझे हेल्प आउट कीजिए. तो डेफिनेटली जब मैं इस फील्ड में एंटर हुई तो मुझे एक बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली जो आई फील लाइक काफी यंगस्टर्स को या काफी न्यू कमर्स को नहीं पता है दैट हाउ टू पिच द करेक्ट पाथ. तो जब मैंने 2 साल काम किया तो मुझे ये समझ में आया इट्स नॉट ओनली अबाउट क्लियरिंग नेट और JRF, देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, तो जब मैंने एज अ 2 साल TA एज अ टीचिंग असिस्टेंट एंड एकेडमिक असिस्टेंट काम किया तो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इंडिविजुअल रिसर्च भी कर सकती हूँ और मैं कलेक्टिव रिसर्च भी कर सकती हूँ जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ. ये एक सेपरेट पार्ट हो गया व्हेन यू आर वर्किंग एज अ टीचिंग और एकेडमिक असिस्टेंट. यहाँ पे सिंगल हैंडेडली भी रिसर्च की जाती है, सिंगल हैंडेडली भी आप प्रोजेक्ट्स में जा सकते हैं. बट नाउ वील फॉर द टाइम बींग वील टॉक अबाउट कि एक सही पाथ को कैसे अपन चूज कर सकते हैं. तो वंस यू आर इन टू IITs और IIMs, आपके लिए जो ब्रॉडर मैं अगर कहूँ नेटवर्किंग बहुत ओपन हो जाएगी. यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द सीनियर PhD स्कॉलर्स जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं 2 साल से 3 साल से. जब आप काम करते हैं तो आपको उनको असिस्ट करने का मौका मिलता है, उनको गाइड करने का मौका मिलता है, बिकॉज सर्टेनली यू आर इन टू वन ऑफ द प्रोफेसर, वन ऑफ द बेस्ट माइंड ऑफ फैकल्टी. ठीक है, तो आप उनको असिस्ट कर उन PhD स्कॉलर्स को असिस्ट करेंगे तो आपको उनके साथ आपका जो कम्युनिकेशन चैनल बनेगा दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट. कि आप अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि हमें PhD कैसे करना है, क्या करना है, रिसर्च पेपर कैसे लिखा जा सकता है, तो आप वो भी कर सकते हैं. एंड इट्स नॉट अबाउट कि आप जब PhD में एंटर हो जाएंगे तभी आप रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. आप PhD से अगर आपके माइंड में कुछ क्लैरिटी है कंटेंट को लेके, टॉपिक्स को लेके, एकेडमिक असिस्टेंट आप अपने प्रोफेसर की हेल्प से या कोई सीनियर जो PhD स्कॉलर्स हैं, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन रिसर्च पार्ट. ओके, इससे क्या होगा, इवन दो वंस यू एंटर इनटू PhD प्रोग्राम आपके अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहेगी कंटेंट को लेके, बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहेगी कि मुझे करना क्या है. क्योंकि काफी न्यू कमर्स सोचते हैं कि हम एक बार चले जाएंगे अंदर, PhD स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद देखा जाएगा. उसके बाद क्या होता है, फिर उनको 4 साल लग जाते हैं PhD करने में, 5 साल लग जाते हैं, 6 साल लग जाते हैं. बट जो जो स्कॉलर्स एज अ टीचिंग असिस्टेंट और एज अ रिसर्च असिस्टेंट होने के बाद PhD करने के लिए जाते हैं, दे आर द पर्सन जो PhD शायद 2.5 से 3 साल में खत्म कर लेते हैं. ये बहुत बड़ा नोशन है लोगों के माइंड में कि PhD करने के लिए मुझे सिर्फ 5 साल लगेंगे और शायद उसका ओवर एंड अबव भी लग सकता है, विच इज नॉट द केस. बिकॉज मैंने लाइव ये चीज देखी है तो मैं इसका एक लाइव एविडेंस हूँ, आपको बता सकती हूँ बहुत क्लियरली दैट PhD 3 साल में भी की जा सकती है. ठीक
ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा। सेकेंडली, अगर आप प्योरली नहीं जाना चाहते एकेडमिक्स में, यू ओनली वॉन्ट टू लाइक फोकस ऑन रिसर्च, एक रिसर्च कैसे की जा सकती है, तो देर इज एन इंडिविजुअल ओपनिंग एट IITs एंड IIMs कॉल्ड एज रिसर्च असिस्टेंट। ओके, तो आप चूंकि आप ऑलरेडी नेट कर चुके हैं तो आपको ऑलरेडी वेटेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने नेट किया है तो आपको वेटेज नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रादर नेट वालों को ज्यादा वेटेज मिलता है फ्रॉम अ नॉन नेट पर्सन। ठीक है, जैसे आई एम अ नॉन नेट पर्सन बट आई हैड अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कंटेंट, कि मैंने क्या पढ़ा था मास्टर्स में, तो इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू फेच अ सीट एज RA, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जो कि बहुत ईजी नहीं होता है जाना। ठीक है, अगर आपने नेट कर रखा है तो डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो यू कैन वर्क एज अ रिसर्च असिस्टेंट ऑल्सो इन IITs एंड IIMs, एंड इनकी मल्टीपल पोजिशंस निकलती रहती हैं। द ओनली गुड थिंग दैट यू हैव टू डू इज आपको रिसर्च करने से पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। दैट इज वॉट आई वुड लाइक टू से, कि आप कहाँ फिट इन हो रहे हैं, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। बिकॉज सारे IIT, सारे IIMs और जो डिफरेंट बी स्कूल्स हैं वो आ रहे हैं ये सब अपॉर्चुनिटीज को लेके, क्योंकि 2025 और आफ्टर 2025 का नोशन यही है कि हमें रिसर्च को इंक्रीज करना है इंडिया में। ठीक है, तो वो रिसर्च का पाथ लेके, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, प्योरली रिसर्च में लेके आ रहे हैं। इसी का सेकंड पैरामीटर ये हो गया दैट देयर आर अपॉर्चुनिटीज एज प्रोजेक्ट एसोसिएट, जो बेसिकली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं। काफी IITs एंड IIMs इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, आप वहां भी जा सकते हैं। आप जस्ट इज लाइक यू हैव टू कन्विंस दैट यू आर अ सूटेबल फिट फॉर इट। आपके पास नेट है, ये आपके लिए ऑलरेडी एक एडवांटेज की बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट JRF, आई एम साइड लाइनिंग द JRF पीपल। JRF का तो वैसे भी हो गया कि अब हमारा JRF हो गया तो हमें PhD करनी है, वो वैसे भी PhD में चले जाए, उनके लिए इतना ज्यादा कोई नॉन क्लैरिटी नहीं रहती है। बट जो न्यू कमर्स है जिनके माइंड में एक डिसक्लैरिटी हो गई कि जिनका JRF है, जो ऑलरेडी PhD कर रहे हैं, उनको वेटेज बहुत ज्यादा मिल रहा है, हम कहीं ना कहीं छूट जा रहे हैं पीछे। और चूंकि आप ऑलरेडी एक ब्रांड के साथ जब काम कर लेंगे एक साल तक का, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि अगर आपके पास नेट भी नहीं है, ब्रांड वैल्यू ऑलवेज मैटर्स। तो जब आपके आगे एक IITs के साथ में, एक मास्टर्स प्रोफेसर के साथ में काम करने का जब एक बेसिकली टैग लग जाता है। बेसिकली शी इज ट्राइंग टू टारगेट कि आपका जब रेज्यूमे आपके लिए बोलता है तो शायद आपको कन्विंस करने के लिए एग्जैक्टली, ज्यादा नहीं बोलना पड़ता है, और ज्यादा मेहनत नहीं करनी रेज्यूमे पड़ेगी। क्रिएट करने के लिए दिस इज कि आप उसे कैसे बेटर कर सकते हो, आप पहले वो फिल्टर कर लो। जैसे मैं आपको बता दूं कि करेक्ट, इतनी देर में जो ये बात इन्होंने समझाई है वो एक लाइव एविडेंस के तौर पे समझाई है। बहुत सारे बच्चों को ये मिथ होता है, बिल्कुल करेक्ट बोल रही है ये, कि 7 साल या 6 साल या 5 साल तो मिनिमम मान के चलिए कि आपका PhD होगा। आपके PhD का जो UGC की तरफ से नॉर्म आया हुआ है उसमें भी लिखा है मैंडेट टू है 3 to 5 years, 3 to 5 years, और फिर एक्सटेंशन मिलता है 2 साल का अगर किसी कोई नहीं कर पाता है, या फीमेल्स को स्पेशली 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है एज अ मेटर्निटी एक्सटेंशन। तो वो उस चीज़ हटा दो और आप ये सोच के देखो कि 5 नहीं, आप 3 वाला भी तो सोच के देख सकते हो ना। लाइक अ ग्रेजुएशन डिग्री, इमेजिन कि आप PhD कर रहे हो एक ग्रेजुएशन डिग्री की जैसे। सो बेसिकली हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक है रिसर्च का डोमेन और एक है टीचिंग का डोमेन। अगर मैं थोड़ा इसको जल्दी से बुलेट पॉइंट्स में डाल दूँ तो टीचिंग का डोमेन तो बहुत सिंपल है और बहुत बहुत ही एक्यूरेटली आप इसको बोल सकते हो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी मिल गई है। तो नेट करना वेस्ट नहीं है, ये सबसे पहली बात मैं प्रूव कर चुकी हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरते हो तो बहुत सारे लोग हैं जो साथ में फॉर्म भर रहे हैं, एंड आई अग्री कि कंपटीशन बहुत टफ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर और किसी वे से एंटर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल गेस्ट लेक्चरर्स, जैसे फॉर लेक्चरर्स, जैसे फॉर एग्जांपल एडहॉक, और एडहॉक वालों को परमानेंट करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। गेस्ट लेक्चरर्स के थ्रू आप एक अच्छा अरीना क्रिएट कर सकते हो, और वो क्यों कर सकते हो, जैसे कि अभी हम इस वीडियो से पहले भी डिस्कस कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आप गेस्ट लेक्चर लगते हो तो आप पर यू नो टाइम आपको टाइम बेसिस पे आपको रखा जाता है, या पर सेशन बेसिस टाइम बाउंड या सेशन बाउंड। तो आपके साथ में सीन ऐसा है कि आप एक यूनिवर्सिटी में मान लीजिए 2 दे रहे हैं घंटे, दूसरी में और 2 घंटे दे रहे हैं या सेशंस ले रहे हैं। इस तरीके से आपके पास एट अ टाइम 2 या 2 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपीरियंस है, उनकी नेटवर्किंग है, उनका अरीना है, उनका डिस्कोर्स है, उनके प्रोफेसर से आपकी जानकारी है। और जब तक आपको कहते हैं ना कि जब तक आप उस डोमेन में जाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आसपास क्या चल रहा है। मेरा वीडियो देख लिया, किसी और का वीडियो देख लिया, अच्छा उसने ये बोला था, इसने ये बोला था, ये सब करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं आज इसको उठा के लेके आई हूँ सुबह सुबह जगा के कि भाई नहीं चल
चलो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऐवी हवा में बातें चल रही है। मुझे बहुत अजीब लगता है ये बताते हुए कि हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें कोई भी ये सारी बातें करता नहीं है। सब आते हैं कि JRF कैसे निकाला, सब आते हैं ये बताते हैं नेट कैसे निकाला, सब आते हैं ये बताते हैं कि मैंने PhD का इंटरव्यू कैसे निकाला। बट PhD के इंटरव्यू तक या टीचिंग के इंटरव्यू तक और JRF निकालने के बाद तक का जो फेज़ है ना, वो कोई डिस्कस नहीं करता है। और वो ही मुझे लगता है सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि यहाँ आप पे क्या करें, आई आप करना क्या है, वुड लाइक आप टू क्या ऐड करें। वन पॉइंट। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि लोगों पीएचडी के इंटरव्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं, नेट कैसे निकालना है, JRF कैसे निकालना है। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ जो पर्सनली मैंने फेस किया, शायद ये चीज मैंने डिस्कस भी की थी कि विदाउट हैविंग नेट स्कोर ऑल्सो, विदाउट हैविंग नेट स्कोर, मैंने खुद ने पीएचडी के इंटरव्यूज क्रैक किए हैं, वो भी 3 बार। इट्स नॉट बिकॉज कि इट्स ओनली अबाउट JRF विदाउट हैविंग इवन अ नेट स्कोर। मैंने 3 बार, फॉर आई वुड नॉट डिस्क्लोज द इंस्टीट्यूशन नेम, एंड दैट टू बी इन टॉप बिजनेस स्कूल्स ओनली विदाउट एनी नेट स्कोर। ठीक है, आई हैव क्लियर प्राइज एंड वन ऑफ द इंडिया टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन आई हैव क्लियर टिल द थर्ड लेवल विदाउट एनी नेट स्कोर, जस्ट बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग दैट एक रिसर्च पेपर को कैसे पढ़ा जा सकता है, बिकॉज आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ IIM इंदौर ऑब्वियसली। सो दैट वॉज वन ऑफ माई लाइक एड ऑन पॉइंट। ठीक है, और एक सेकेंड फैक्टर में और एड ऑन करना चाहूंगी, वो चीज़ ये है कि लोग हमेशा JRF को ज्यादा टारगेट करते हैं, बट मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि आपका नेट क्लियर हो चुका है, सो देर आर डिफरेंट बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। अगर मैं नाम लूँ आपको, जैसे IIT गाजियाबाद हो गया, XLRI जमशेदपुर हो गया, TISS मुंबई हो गया, और जो अनदर ब्रांचेस हो गए TISS की, काफी और इंस्टीट्यूशन है लाइक FMS दिल्ली, दे टारगेट इंडिविजुअल स्कॉलर्स जिनका नेट क्लियर है। इट्स नॉट ओनली अबाउट JRF, नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट आप कैसे फिल्टर कर रहे हैं, आपको अपने लिए इंस्टीट्यूशन को फिल्टर करना पड़ेगा। आप सिर्फ अगर ये सोच के जाएंगे कि नहीं मुझे IIM अहमदाबाद ही, मुझे IIM कलकत्ता से ही करना है, तो डेफिनेटली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बट कई बार मैं ये चीज भी कह सकती हूँ कि सिर्फ IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर और IIM कलकत्ता जरूरी नहीं है कि फिट इन हो आपकी लिस्ट में, बट देर आर मल्टीपल ऑप्शन। क्या पता आप इंस्टीट्यूशन वाइज मत जाइए, आप प्रोफेसर वाइज जाइए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलेगा कि कभी इंस्टीट्यूशन वाइज मत जाइए, आपका जो पर्सनल डोमेन है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, चूज आउट दी लाइक प्रोफेसर्स हु आर वर्ल्ड बेस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे दे आर दी ओनली वन हु आर गोइंग टू हेल्प यू इन रिसर्च प्रपोजल और योर थीसिस डिसर्टेशन और PhD की जर्नी में। इट्स नॉट अबाउट द राइट, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन थिंग और जैसे इंस्टीट्यूट। अभी ये जो बोल रही है, सेम थिंग ये आपको दे रही है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कि कैसे कर सकते हैं। इसका एक कॉन्क्रीट वर्जन है विद्वान पोर्टल, जिसके बारे में हम पढ़ते भी हैं, और ये नेट के सिलेबस में है। इमेजिन, नेट के सिलेबस में है ये पोर्टल्स, करेक्ट, जिन पोर्टल्स पे आपको सारे रिसर्चर्स, जितने भी प्रोफेसर्स हमारे देश में हैं जिनके अंडर बच्चे PhD करते हैं, उन सबकी इन्फॉर्मेशन दी करेक्ट, जाती है कि उनकी रैंकिंग क्या है, उनका API क्या था, उन्होंने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, अभी वो किस पर रिसर्च कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट देती है। ट्रांसपेरेंसी उन्हें मिलती है जो ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं। अगर मैं घर बैठे बोलूं कि एग्जैक्टली, सरकार तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है, या ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो बायस्ड है, ये बायस्ड है, तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सोच के देखिए, करके देखिए, जैसा कि ये जो बोल रही हैं, मैं इस पे ऐड करना चाहूंगी एक पर्सनल पॉइंट। जैसे IIM बैंगलोर का जब भी इसका सिलेक्शन हुआ, तो इसने मुझे बताया, तो मैंने बोला जा क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि ABC में आता है, तो हमको लगा कि इसको तो जाना चाहिए, जाना चाहिए। बट फिर इसने मुझे बाकी सारे पॉइंट समझाए कि कैसे ये यहाँ पर सेटिस्फाइड है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसा स्विच करने से डिफरेंट पहले, कुछ पैरामीटर्स। हाँ बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है, प्लस जो आपका गाइड होता है। मुझे याद है कि IIM इंदौर इतने साल तक इसने इसलिए नहीं छोड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो इसके गाइड थे या जो प्रोफेसर थे, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट, वो भाई टॉप नॉच प्रोफेसर रहे हैं, तो उनके अंडर काम करना वॉज मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन किसी एक बड़े IIT एग्जैक्टली, या IIM के पास जाना। और यही चीज़ हम नहीं, समझाते हैं कि अगर मुझसे भी 2 साल पहले या आज से 3 साल पहले ये चीज पूछा जाता, तो शायद आज मैं भी उसी तेल में होती। आज जो न्यू कमर्स हैं, सारे जो नेट क्वालिफाइड फ्रेशर्स हैं, शायद मेरा भी प्रोस्पेक्टिव वही था आज से 3 साल पहले। बट जब मैं लेट इन हुई, आई लाइक डिडंट गिव अ थॉट कि अब नेट नहीं करना है, नेट नहीं हो रहा है, तो आई शुड स्टॉप
स्टिक टू दैट ओनली, और मैं इस चीज को लेके माइंड में यही बियर करती रहूँ कैसे होना है कैसे होगा नहीं होगा. तो बेटर मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी हाथ में, एंड देर इज नथिंग ग्रेटर देन IITs और IIM इन इंडिया, और इतने बड़े प्रोफेसर के साथ, इंडिया के वेल नोन प्रोफेसर के साथ काम करना, इट सेल्फ गिव यू अ कॉन्फिडेंस लेवल. तो जब मैंने एक साल ऑलरेडी 6 महीने जब काम किया, तो शायद मैंने खुद इनको ये चीज बोली थी कि अब मुझे PhD करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, अब मुझे नेट में या GRF में, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे अब प्योरली नेट करना है या प्योरली GRF करना है, एंड आई एम गोइंग टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर पोजिशन की भाई नहीं, अब जब तक मेरा GRF नहीं होगा तब तक मैं दुनिया में किसी को नहीं देखूंगी, किसी से पूछूंगी नहीं, या मैं बस GRF की प्रिपरेशन करूंगी. इट्स नॉट लाइक दैट. विदाउट उसके भी मैंने बहुत सारी चीजें को लाइक पिन पॉइंट किया है और पेच किया है, ठीक है, जो मेरा पर्सनल, मैं इतनी देर से रिपीट कर रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नेटवर्किंग करना, बिकॉज इस लाइन में, एकेडमिक्स लाइन में, व्हाट इज बेस्ट इज योर नेटवर्किंग. योर नेटवर्किंग कैन ओनली हेल्प यू आउट, एंड JRF इज नॉट ओनली ऑप्शन दैट यू कैन डू इट. ओके, सो डेफिनेटली अगर आपका इंटरेस्ट एरिया है, आपको रिसर्च में जाना है, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं एड ऑन करना चाहूंगी कि जब आप इंडिविजुअल रिसर्च की बात करते हैं, सिर्फ रिसर्च की बात करते हैं, एंड व्हाई आई से दैट PhD में जाने से पहले आपके लिए एक टीचिंग एक्सपीरियंस लेना इज लाइक बहुत एड ऑन पॉइंट होगा हमेशा. इसलिए मैं ये आपको बार बार रिपीट करना चाह रही हूँ कि अगर आप PhD में जाने से पहले ही ऑलरेडी एक अच्छी इंस्टीट्यूशन में एक्सपीरियंस और एक्सपोजर ले चुके होंगे, तो आगे आपके लिए चीजें बहुत सिस्टमेटिक हो जाएंगी. और जब आप उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए काम कर रहे हैं किसी फैकल्टी के अंदर या पर्टिकुलर किसी डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं, इट इज जेनरिक फॉर एवरीवन, चाहे आप BSc के हो, चाहे आप मैनेजमेंट के हो, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो. जब आप एज अ टीचिंग और एकेडमिक असिस्टेंट काम करते हैं किसी इंस्टीट्यूट या किसी प्रोफेसर के लिए, आपके लिए एक सेपरेट पॉलिसी होती है इन नेम ऑफ रिसर्च ग्रांट, ठीक है. आप उस चीज को अवेल कर सकते हैं अपनी एकेडमिक जर्नी के साथ साथ प्रोफेसर के साथ काम करके, एंड व्हेन यू आर वर्किंग विद वन ऑफ द बेस्ट माइंड, आपके पास रिसर्च ग्रांट के साथ साथ अपॉर्चुनिटी है कि आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लें अपने डोमेन या अपने जो फैकल्टी है उनसे कि एक रिसर्च को कैसे लिखा जाता है. दैट विल गिव यू अ ग्रेटर पिक्चर. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने काम किया है चूंकि इसमें, भले ही मैंने ऑलरेडी रिसर्च ग्रांट को अवेल नहीं किया गया बिकॉज आई डोंट फेल्ट लाइक, मैंने इंडिविजुअल रिसर्च कैरी की थी फाइनेंस में, कोलाबरेटिवली भी की थी प्रोफेसर के साथ, जो शायद FT45 जर्नल्स में पब्लिश भी हुई है. अगर कुछ कुछ लोग पढ़ना चाहें तो आई कैन शेयर दैट ऑल्सो. तो इट्स नॉट ओनली कि GRF GRF GRF, अगेन आई एम सेइंग यू, आपको पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है, आपको फिल्टर करना है. मैं तो ये कह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आज इस इंटरव्यू के बाद से एक ग्रेटर क्लैरिटी मिल गई है, तो मैं तो आज ही आपको कह रही हूँ कि आप अपनी पसंदीदा IITs, अपनी पसंदीदा IIMs को उठाइए. देर आर मेनी मल्टीपल पोजिशन इन नेम ऑफ टीचिंग असिस्टेंट और एकेडमिक असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट और रिसर्च एसोसिएट. आप जाइए, आप फॉर्म भरिए, चूंकि आप नेट क्वालिफाइड हैं तो मैं 100% गारंटी आपको इस चीज की दे सकती हूँ कि आपका शॉर्टलिस्टिंग होना और वहां तक जाना इज एन इजी वे, बहुत ईज में जा सकते हैं आप. अगर मैं नॉन नेट होके जा सकती हूँ, तो एक नेट वाला बंदा तो डेफिनेटली इज वे बेटर देन मी, बिकॉज उसने एक नेशनल एलिजिबिलिटी को क्लियर किया है. मैंने बिना क्लियर किए अगर फेच कर सकती हूँ सीट, तो आप तो डेफिनेटली कंपेटेबल हैं उस पोजीशंस के लिए. द थिंग तो इज डेफिनेटली माय किसी पर्सपेक्टिव इज किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए आपके पास दो वे हो सकते हैं. एक होता है स्क्रिप्टेड वे जो कि बना दिया गया है, और एक होता है बना योर दिया ओन वे गया. जो आपको खुद क्रिएट करना है. अब बना दिया गया वाला वे क्या है कि आपने कोई क्राइटेरिया वाला एग्जाम क्लियर किया, जैसे नेट क्लियर किया या नेट के साथ JRF क्लियर किया, तो आपके पास में एक यू नो एक सर्टेन एलिजिबिलिटी आ गई है कि हाँ अभी मैं क्या कर सकता हूँ, जा सकता हूँ वहाँ पर. बट मैं आपको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बता सकती हूँ जिसने नेट क्लियर किया है, JRF क्लियर किया है, पर इंटरव्यू क्लियर नहीं किया है. वो क्यों? क्योंकि उनके पास में ये सारी नॉलेज नहीं होती है. उन वहाँ पर जब आप लोग जाते हैं, तो मैं मानती हूँ कि मान लीजिए 10 वैकेंसी अगर एक यूनिवर्सिटी में निकली है, तो वो डेफिनेटली JRF वाले बच्चे को यू नो प्रेफर करेंगे, बिकॉज उसका पैसा UGC देती है, तो उनको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना पड़ता.
तो दे आर लाइक कि हाँ हम इनको ले लेते हैं बिकॉज इसका ग्रांट जो है वो यूजीसी से आएगा या गेट क्वालिफाइड बंदे का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आएगा. दैट्स ट्रू. बट आप ये भी तो देखिए, हम बी स्कूल्स या टॉप स्कूल्स के हमारे देश की बात कर रहे हैं कुछ, और ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो कई IIT से ऊपर आती है, जिसमें से एक का इंटरव्यू आपने भी क्लियर किया है और मैंने भी क्लियर किया है. तो हम दोनों जानते हैं ये चीज़ कि उसका इंटरव्यू क्रैक करना वॉज मच मोर देन किसी IIT का इंटरव्यू क्रैक करना, क्योंकि उसकी रैंकिंग उससे हाई है. अब वो सीन ऐसा है कि आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब आप किसी प्राइवेट ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी को हंट कर रहे हो, किसी एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हंट कर रहे हो, टॉप 20 स्कूल्स को हंट कर रहे हो, तो आपको उनके पोर्टल को अच्छे से समझना होगा. मुझे लगता है कि एंट्री पॉइंट ये है, चाहे आपने नेट किया है, नहीं किया है, JRF किया है, नहीं किया है, या आप बस रैंडमली मास्टर्स करने के बाद में इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो कि आपको टीचर बनना है या आपको रिसर्च में आगे जाना है, उनके पोर्टल को ध्यान से पढ़िए. और जो ये सारे ऑप्शंस ये दे रही है वो हम इसीलिए स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट कि स्क्रिप्ट वे पे आप जा सकते हो, यू कैन क्रिएट योर ओन पाथ. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एक बच्चे ने, या बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा बोलते हैं कि मैं नेट की तैयारी नहीं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, कि नेट करके तो कुछ होता है नहीं, डायरेक्ट जॉब तो लगती नहीं है. ये मिथ है जो हमें क्लियर करनी है, और यही चीज़ है जो हमारे लर्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करेगा कि ऐसा नहीं है कि नेट करने से कुछ होता तो नहीं है. इसने नहीं किया, इसका हुआ, मैंने किया, मैं कुछ और कर रही हूँ. तो पाथ आपके डिफरेंट हो सकते हैं, डेस्टिनेशन सबकी सेम है. मैं भी एक अच्छे यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ, ये भी एक अच्छे यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, वो किसी और पाथ से जा रही है, मैं किसी और पाथ से. इसलिए आज हम दोनों एक साथ आके दो प्रस्पेक्टिव आपके सामने रख रहे हैं कि एक है स्क्रिप्टेड तरीका, बट उस स्क्रिप्टेड तरीके में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन एक्सप्लोर ऑप्शंस. जैसे कि अभी तक जो हमने बोला, मैं आपको उसको थोड़ा बुलेट पॉइंट्स में बोल देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको हंट करनी है वो यूनिवर्सिटी जिसमें आप फिट इन होते हो. अब ठीक है, मैं MCA हूँ, मैंने कई बार इससे ये चीज़ डिस्कस करी है कि यार उसमें क्लियरली लिखा ही नहीं है कि MCA करना है अलाओ या नहीं कर रहा है अलाओ. जैसे हमारे शहर का एक बहुत अच्छा NIT है, हमारे घर से 10 मिनट दूर है, हम कहते भैया वहीं पे जॉब लग जाए या वहीं पे PhD लग जाए, क्या बढ़िया काम है. बट अब वो MCA को अलाउ ही नहीं कर रहे, तो अब क्या मैं मतलब धरने पे बैठ जाऊँ वो बाहर जाके. अब ठीक है, उनका नॉर्म है भाई कि वो नहीं अलाउ करते हैं, तो ऑप्शन ये है कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज हंट करूँ जहाँ पे मेरी एलिजिबिलिटी फिट इन करती है. बट एलिजिबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ और वो देख ले, वो टेबल बनी हुई आती है या किसी वीडियो को देख लिया कि अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है. अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि TA का पोस्ट, RA का पोस्ट, RG जो आप लोगों को दिया जाता है, रिसर्च ग्रांट, ठीक है. इसके अलावा टीचिंग एसोसिएट्स के तौर पर भी और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फुल टाइम ऑप्शंस होते हैं, पार्ट टाइम ऑप्शंस होते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं एक पॉइंट और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जिनका लाइक अंडरस्टैंडिंग है कि उनको रिसर्च में जाना है, एंड एक बहुत कॉन्क्रीट और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा उनके लिए. लाइक जो टॉप 20 स्कूल्स हैं, ABC, IIM अहमदाबाद और UCIIT बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, ये इनका एक सेपरेट डोमेन है विच इज नेम्ड एज पेडागोजिकल रिसर्च एसोसिएट. आप ये पर्टिकुलर चीज को भी हंट कर सकते हैं, आप उसका पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, दैट फ्रॉम स्टार्टिंग लाइक हाउ रिसर्च इज टू बी एस्टेब्लिश्ड टिल व्हाट पाथ यू आर गोइंग टू डू, इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे. पेडागॉजिकल रिसर्च एसोसिएट या किसी रिसर्च एसोसिएट से जो पोजिशंस होते हैं उससे ज्यादा क्लैरिटी आपको कोई नहीं दे पाएगा. जो मल्टीपल चीजें मैंने बोली हैं, आप एज अ TA काम कर सकते हैं, आप एज अ RA काम कर सकते हैं, आप एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट काम कर सकते हैं, आप एज अ पैडागॉजिकल रिसर्च एसोसिएट काम कर सकते हैं. ये सारी डोमेन्स जो हैं ये उस चीज में डील करती हैं जो आपको एक बहुत ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी कि अल्टीमेटली रिसर्च की कैसे जाती है, एंड उसमें से सबसे बेस्ट फिट इन पार्ट होता है पैडागॉजिकल रिसर्च एसोसिएट का, बिकॉज वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है कंटेंट क्रिएट करने की, आपके खुद के जो नॉलेज है, आपका खुद का जो एक्सपर्टीज है उसको पिक्चराइज करने की. तो नथिंग इज बेस्ट देन दैट जब आपको एक पर्सनली अपॉर्चुनिटी दे दी जाए. ऑलरेडी ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में थी, मैंने इनसे भी डिस्कस की थी व्हाई आई लेफ्ट इट, बट स्टिल आई एम अ गुड फिट इन हेयर एट IIM उदयपुर. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चों को ये पॉसिबिलिटीज पता नहीं है, एंड ये पता होना आज की जनरेशन को बहुत इम्पोर्टेंट है. हम डिस्कस कर रहे थे, और सेंटर फॉर एक्सीलेंस करके भी अलग से एक यूनिट होता है, हर यूनिवर्सिटी में होता है, नॉट जस्ट IITs और IIMs, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है. वो अलग बात है कि अब जैसे रिसर्च लैब तो स्टेट यूनिवर्सिटी में भी होती है, बट अब टूल ही धूल खा रहे हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता. बट होता सब यूनिवर्सिटीज़ के पास पास है, क्योंकि कोटा होता है
सरकार की तरफ से कोटा होता है इन सब चीजों का। ये इंक्यूबेशन सेंटर्स कहाँ से निकल के आए? ये यहीं से निकल के आए हैं। वहां पर वो स्टार्टअप वाले जो अपना टेबल लेके बैठे हैं वो यही बता रहे हैं आपको कि आप आइए तो सही, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर तो करिए, आपको पैसा हम देंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि नेट करने के बाद कैसे पैसा कमाना है ये भी आपके ही हाथ में है। तो जो ये बोलते हैं ना कि नेट करने के बाद यार नौकरी तो लगती नहीं, क्योंकि नौकरी अल्टीमेट गोल है, पैसा कमाना सबका अल्टीमेट गोल है, बट आप ये सोचिए ना कि अगर मान लीजिए आपको महीने के 30, 35, 40 हज़ार भी अगर मिल रहे हैं, तो आप ये सोचिए ना उस 40 हज़ार के साथ में आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाले पार्ट में काम करके। और ये हर में होता है, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में भी होता है, कॉमर्स डिपार्टमेंट में भी होता है, और साइंस डिपार्टमेंट में भी होता है। साइंस डिपार्टमेंट में तो लेट मी फ्रेज की आपके पास में अलग अलग यूनिट पे होता है। आई मीन जैसे मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ, तो कंप्यूटर साइंस के जो पूरे के पूरे आपके 10 यूनिट्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उन 10 यूनिट में से आप लोगों के पास में अलग अलग उनके सेंटर्स होते हैं, हब्स होते हैं। आप वहाँ पर किसी भी प्रोफेसर को पकड़ सकते हैं, किसी भी रिसर्च एसोसिएट जो आपका कोई SRF है उसके अंडर भी आप काम कर सकते हैं, एज अ इनिशिएट एसोसिएट आप काम कर सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ओपन होती है आप लोगों के लिए, आपको सिर्फ पोर्टल को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। आई थिंक हमने अब तक लगभग 10 से ज़्यादा आपको ऑप्शंस ऑलरेडी दे दिए बातों ही बातों में। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो रैंडमली आप लोग, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं। उनको ऐसे लगता है फुल टाइम या पार्ट टाइम, पार्ट टाइम नहीं करेंगे क्योंकि API स्कोर में अच्छा नहीं मिलता है उसको, ऐसा नहीं है। आप पार्ट टाइम करते करते एक्सपीरियंस गेन करिए, उसके बाद फुल टाइम का आप इंटरव्यू दीजिए। आपका अगर वो इंटरव्यू क्रैक हो जाता है तो इमेजिन जो पार्ट टाइम का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपका कोर्स कम हो जाएगा, आपका 5 की जगह 3 साल में PhD कम्प्लीट हो जाएगी। और जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे अपन मल्टीपल बार बार ये चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, रिसर्च रिसर्च, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे सोच को इंक्रीज करना है। तो जैसे हमने बात की कि हम डिफरेंट डोमेन्स पे जाके काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एज अ गेस्ट लेक्चर काम कर सकते हैं, एडहॉक पे काम कर सकते हैं। तो वन गुड थिंग फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इज कि अगर आपको 1 साल काम करने के बाद बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल गई है कि हमें इस पर्टिकुलर डोमेन में जाना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को चूज करना है हमारी रिसर्च के लिए, तो मेरा आपके लिए यही ओपिनियन रहेगा कि अगर जिस दिन से आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल गई कि आपको किस टॉपिक पे काम करना है, आज मान लीजिए मुझे फाइनेंस रिलेटेड किसी टॉपिक पे काम करना है, आज मुझे क्लैरिटी मिल गई है, आप आज से ही एक डिसीजन ले लीजिए या एक ओवरव्यू बना लीजिए या एक ब्लू प्रिंट ले लीजिए कि हम रिसर्च पेपर कैसे लिख सकते हैं, या आप जिस फैकल्टी के अंडर काम कर रहे हैं या जिस सेंटर के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी जो भी हायर अथॉरिटी होगी, जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी होगी, या उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, चाहे IIT IIM हो, डिफरेंट बी स्कूल्स हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, तो वहाँ के जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं आप उनको पकड़िए, आप उनके एक्सपीरियंस से सीखिए, आप उस चीज को जॉट डाउन कीजिए कि रिसर्च पेपर लिखा कैसे जाता है। एंड आज की ही डेट से आप एक रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर दीजिए जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको फ्यूचर में जाके PhD करनी है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप PhD के लिए काम कीजिए, बट आप स्टार्ट आज से कीजिए कि आप रिसर्च पेपर आज से लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी PhD खत्म करने की एज में होंगे तो एक PhD स्कॉलर के लिए एट द एंड ऑफ द डे मायने क्या रखते हैं कि आपके रिसर्च पब्लिकेशन कितने हैं और कितने स्ट्रॉन्ग हैं। दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट योर API स्कोर। अगर आज आपने 1 साल काम करते करते किसी बहुत बेस्ट फैकल्टी के साथ काम करते करते आज की डेट में आपने 2 A ग्रेड या B ग्रेड पब्लिकेशन निकाल दिए, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू कि आप 3 साल में किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से जाके PhD बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपका फाउंडेशन पहले ही बहुत स्ट्रांग हो गया है एज अ टीचिंग असिस्टेंट और एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम करते करते। अल्टीमेटली एट द एंड क्या होगा, वो चीज आपकी API स्कोर में एड ऑन होगी हमेशा। और अगर आपको इतना फिजिबिलिटी, आप इतना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो मैं तो ये कहूंगी कि आज से ही आप अपनी PhD थीसिस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको क्लैरिटी मिल गई तो क्या होगा, एज सुन एज आप अपना कोर्स वर्क खत्म कर लेते हैं, आप 1 साल का या 1.5 साल के जो भी इंस्टीट्यूट के नॉर्म के हिसाब से जो आपका कोर्स वर्क का डिजायर टाइमलाइन होता है, जैसे ही आप एक टाइमलाइन अपना कोर्स वर्क खत्म कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स क्या होंगे, वो ये सोचेंगे कि अब मुझे रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, अब मुझे रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, आज अब क्या करूँ, किसको पकड़ू, कहाँ जाऊँ, किससे क्या बात करूँ, कौन अब मुझे बैठ के क्लियर पिक्चर देगा। बट आप चूंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस लेके आ चुके हैं बहुत अच्छे अच्छे स्टेट यूनिवर्सिटीज का या भी बिजनेस स्कूल्स का या IITs IIMs का, तो आप ऑलरेडी 2 रिसर्च पेपर या 1 रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं, तो नाउ यू नो कि आपको रिसर्च कैसे परस्यू करनी है, आपकी नेटवर्किंग ऑलरेडी बन चुकी है, आप कोलाबोरेशन कर सकते हैं लोगों के साथ। तो
आपको अगर थोड़ा फ्री टाइम मिल रहा है तो आप मीटिंग शेड्यूल करके उनसे अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए कि भाई मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, ये सही जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। आप डिस्कशन कीजिए, पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर होंगी, आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी वहां से। तो जब सब बच्चे फेच कर रहे होंगे कि अब मुझे मेरा कोर्स वर्क करना है, मुझे कोर्स वर्क के लिए एग्जामिनेशन देने हैं, पास होना है, आप ऑलरेडी एक फेस क्लियर कर चुके होंगे एंड आपका ज्यादा जो फोकस होगा वो रहेगा कि मैं इस पर्टिकुलर एक साल के ड्यूरेशन में मैं कितना रिसर्च पेपर पब्लिश कर लूँ, ताकि मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा 2.5 से 3 साल में अपनी पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए। ये बहुत कॉन्क्रीट वे है अगर किसी को पर्टिकुलरली पीएचडी में जाना है तो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पहले 1 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, अपॉर्चुनिटीज को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वंस यू गेट इन टू अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है, लोगों से बात कीजिए, रिसर्च कैसे की जाती है, क्योंकि कई इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता है कि ऑलरेडी कोई स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी नेट कर रहे हैं या नेट करके पीएचडी कहीं से दूसरे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं एंड स्टिल दे आर वर्किंग एज अ असिस्टेंट टू गेट अ ग्रेटर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग विद द टॉप लेवल माइंड्स आपको एन नंबर ऑफ चीजें पता चलती हैं जो कि आपको एज अ फ्रेशर या आप नॉर्मली नहीं पता चलेगा। हमने हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कभी भी इस फील्ड को एक्सप्लोर किया ही नहीं है, क्योंकि हमारे करवाया ही नहीं जाता है। हम सिर्फ डिग्री के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि हमको नंबर लाने हैं, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता एलिजिबिलिटी है कि हम किसी क्राइटेरिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस कर सके या किसी एमएनसी के इंटरव्यू में बैठ सके। हम उस दौड़ में लगे हुए हैं। अब हम बोल रहे हैं या आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी एलिजिबिलिटी खुद क्रिएट करिए, और उसके लिए इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नेटवर्किंग क्रिएट करनी है, उस अरीना के लोगों को पकड़ना है। बहुत सारी जगहों पर यह मिथ भी है, जैसा कि मैं चाहूँगी कि भव्या भी ये क्लियर करे, और अभी वो कर ही रही है, इतनी टाइम से बोल रही है। जब ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर्स बात नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, या ऐसा नहीं है, मैं मानती हूँ कि ऐसा होता है, बट ये ऐसा उन बच्चों के साथ ज़्यादा होता है जो सवाल ही ऐसे पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें। अगर सवाल ही आपका ऐसा है, करेक्ट, सवाल ही आपका ऐसा है, एब्सोल्युटली तो आपको कोई जवाब नहीं देगा। बट अगर आपका सवाल ऐसा है कि सर मैंने ये रिसर्च पेपर ऐसा पढ़ा था और उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी, तो इसका क्या मतलब है या इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये चीज़ आप हंट करिए। उसी चीज़ के ऊपर टारगेट है। पिछले 2.5 साल से करेक्ट, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो यही चीज़ बोल रही हूँ कि डिस्कोर्स क्रिएट करो, अरीना क्रिएट करो। आज मैं आपके सामने इसको लेकर कैसे बात कर पा रही हूँ, क्योंकि हमारी नेटवर्किंग हुई, इसकी नेटवर्किंग स्ट्रांग है, इसने बहुत सारी चीज़ें सीखी, इसने मुझे बताई, मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। यही चीज़ हम करने बोल रहे हैं। तो क्राइटेरिया तो सेम है, आप सब जानते हो कि या तो टीचिंग में जाने वाले हो या फिर जाने वाले हो रिसर्च में, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। क्योंकि टीचिंग करके भी अल्टीमेटली आप रिसर्च वाले एरिया में कहीं एक्सप्लोर करोगे, और रिसर्च टीचिंग करके भी कहीं ना कहीं से आप टीचिंग वाले एरिया को एक्सप्लोर करोगे। में अगर आप टीचिंग वाले फेज़ में आगे जाना चाहते हो, तो लेट लेट अस सम इट अप कि बात ऐसी है, गेस्ट लेक्चरर लग सकते हो, कॉलेज लेक्चरर लग सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो, एडहॉक प्रोफेसर्स लग सकते हो, एडहॉक टीचर्स लग सकते हो, कॉलेज में आप लोग जा सकते हो। और ये सब सब कॉलेजेस में होता है, सब में, सबके पैसे अलग अलग होते हैं, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, बस आप ये ध्यान रखो, बाकी सब में सेम चीज़ें होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप रिसर्च की बात कर रहे हो, तो हमने आज आई थिंक कि पिछले जो भी 20-25 मिनट बात की है, सबसे ज़्यादा ऑप्शन हमने आपको दिए हैं, क्योंकि ये फील्ड सबसे ज़्यादा, मैं मानती हूँ, न्यूब है, लोगों को बहुत कम पता है इसके बारे में। तो जो आपका टीचिंग असिस्टेंट वाला पोस्ट हो गया, रिसर्च असिस्टेंट, ग्रांट कहाँ कहाँ से मिल सकती है, इसके अलावा पीएमआरएफ जैसे आपके पास में बहुत सारे फंड्स हैं जो आपको देश दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, आप उनको एक्सप्लोर करिए। आपको सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढनी है, लेट मी सम इट अप, एम्बिगियस नहीं होते हैं, आपको सिर्फ एक ही वे चूज़ करना है। आप ऐसे मत सोचिए कि मैं सारे पाथ को एक्सप्लोर करके देख लेता हूँ, नहीं, आप धीरे धीरे करना स्टार्ट करिए कि यार मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास में क्या है, मेरा क्या क्राइटेरिया मेरे पास ऑलरेडी है, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि क्या मैं या टीए वाले में जा सकता हूँ, क्या मैं आरए वाले में जा सकता हूँ, क्या मैं प्रोजेक्ट एसोसिएट के तौर पे लग सकता हूँ। जैसे कुछ बच्चे होंगे जिसका टेक्निकल नॉलेज बड़ा अच्छा होगा, है ना, जिनको प्रोग्रामिंग बड़ी अच्छी आती होगी, या मैनेजमेंट के तौर पर जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होगी, वो प्रोजेक्ट एसोसिएट वाले पार्ट पर जाओ। क्यों बोल रही हूँ ऐसा, वहाँ पर आपकी स्किल सबसे ज़्यादा ब्रशअप होगी, और अगर आपके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज है, फील्ड पे काम करने का मौका मिलेगा फील्ड तो में वो काम सबसे करने का ज्यादा मौका आर्ड है। मिलेगा, और फील्ड की नॉलेज अगर आ गई, तो अब मैं आपको बता दूं कि यूजीसी ने ये नॉर्म निकाल दिया है कि 40% सीट्स एक्सपीरियंस फील्ड एरिया और ये जो आपका एक्सपर्टीज है, इसके बिहाफ से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की दे दी जाएगी। इमेजिन, तो आपके पास में क्राइटेरियाज क्रिएट होते जाएंगे, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। ये रादर देन ये सोचना कि नेट करके कुछ नहीं होता है यार, छोड़ो यार,
इसके बाद आपकी एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है। मैं ये मानती हूँ कि नेट का एग्जाम के बाद में डायरेक्ट जॉब नहीं लगती, बट ये जरूर है कि नेट के एग्जाम के बाद में जितना नॉलेज बच्चे को हो जाता है उतना मुझे नहीं लगता किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्लियर करने वाले बच्चे में होता है, किसी में भी नहीं एक होता। चीज और मैं यहाँ ऐड ऑन करूंगी कि एक मिथ बच्चों में और होता है कि जेआरएफ वाले तो जाएंगे, उनको रिसर्च ग्रांट मिलेगा, व्हाट अबाउट अस, हम क्या करें, हमें पैसे दे के पढ़ने पड़ेंगे, हमें कहीं से मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि एक नोशन रहता है बच्चों में कि हमने सिर्फ नेट किया है, हमें कोई ग्रांट नहीं मिलेगी, जेआरएफ वालों को मिल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन दो आप नेट कर रहे हैं, आप अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन को अगर आप पिचअप कर रहे हैं तो उनका खुद का फंड होता है, दे गिव यू पर्टिकुलरली फ्रॉम देयर ओन फंड, तो ऐसा नोशन लेके बिल्कुल मत चलिए कि हमें शायद खुद जाके पहले तो जाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर तो उस चीज के लिए पैसा भी देना पड़ेगा, जो कि ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूशन खुद के सेल्फ फंड भी होते हैं, काफी इंस्टीट्यूशन, काफी स्टेट्स भी होती, यूनिवर्सिटीज होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं, एंड ऑब्वियसली बी स्कूल तो होते ही होते हैं, तो आपके सेल्फ पास अगर फंडेड भी होते हैं। कोर आइडिया है, आपके पास अगर कोर आइडिया है कि आपको करना क्या है, और कोर आइडिया करना का क्या मतलब सिर्फ है? ये है कि डोमेन क्लियर होनी चाहिए, डोमेन में अभी क्या क्या रिसर्च चल रही है वो पता होना चाहिए, आपका जो प्रोफेसर आप हंट कर रहे हो वो किस पे काम कर रहा है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि अभी भव्या यहाँ पर बैठी है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये सोचते होंगे कि यार तो फिर हम डायरेक्टली यही चीज़ एक्सप्लोर कर लेते हैं, नेट करने की भी क्या ज़रूरत है। मैं जानते हो स्टूडेंट मेंटलिटी है कि फिर तो नेट करने की भी क्या ज़रूरत है, शॉर्टकट ये शॉर्टकट ही कर शॉर्टकट, लेते हैं कि बट एट द एंड मिनिमम ऑफ द डे अगर आपको पीएचडी करनी है तो डेफिनेटली आपको नेट करना ही, बिकॉज वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये चीज़ समझ ये लो। चीज और है। दूसरी चीज़, इसका एक अपन एब्स्ट्रैक्ट व्यू भी लेते हैं, आप मुझे बताइएगा कि क्या कोई एक नेट का सिलेबस पढ़ के देखे, पेपर वन की बात कर रही हो स्पेशली, क्योंकि पेपर टू तो ऑब्वियसली हाईएस्ट लेवल है, इससे ज़्यादा मदर ऑफ ऑल सिलेबस बोलती हूँ मैं नेट को, क्यों, क्योंकि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके पोस्ट बाद में ग्रेजुएशन सारा कुछ, आपका एम सिलेबस, फिल एंड सब कुछ, सारा सब्जेक्ट आपका आपके पेपर टू में पूछा जाता है। बट जो नेट का पेपर वन है और उस पेपर वन की नॉलेज डोमेन अगर तू देख, तो क्या तुझे नहीं लगता कि अगर आपने ये भी ढंग से पढ़ लिया है, तमीज़ से पढ़ लिया है, तो आप मिनिमम एलिजिबल हो जाते हो इन सभी पोस्ट में अच्छे से फ्लरिश करने के लिए, क्या नहीं लगता? एग्जैक्टली क्योंकि बिल्कुल। आपकी जो मैं रिसर्च हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड इतना डीप है, इतना डीप है कि आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। मुझे ये चीज़ कब पता चलती है, जब मैं ऐसे बंदे से बात, जैसे मैं इससे बात करती हूँ या किसी ऐसे बंदे से बात करती हूँ जो ऑलरेडी रिसर्च फील्ड में एक्सप्लोर कर रहा है, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि जो अकेडमिक्स में मैं रिसर्च पढ़ रही हूँ या आपको पढ़ा रही हूँ वो कितनी प्रैक्टिकल है एक्चुअली में, कि रिसर्च मेथडोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती है, इम्पैक्ट फैक्टर कैसे निकालते हैं, एच इंडेक्स क्या है, जी इंडेक्स क्या है, कैसे थीसिस लिखी जाती है, रेफरेंसेस कैसे दिए जाते हैं, कहाँ से उठाए जाते हैं, इनफैक्ट सोर्सेज भी पता होते हैं, कुछ पेड सोर्सेज होते हैं, कुछ आपके पास में फ्री सोर्सेज होते हैं, और आज के टाइम पे तो मुझे लगता है कि इंटरनेट ने इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी करवा दी है चीज़ों की कि आप कहीं से भी कंडिकल्ट, अगर आपका अरीना क्लियर है, आपका डिस्कोर्स अरिना क्लियर डोमेन है, बहुत क्लियर है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारा सराउंडिंग्स आपके पास में फिक्स्ड है, तो ये चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का अगर क्रक्स निकालें तो मेजर चीज़ है कि यू हैव टू डिसाइड कि आप कहाँ फिट इन होते हो, इम्पॉर्टेंटली। आपको क्या करना है, ये आपको मतलब आपको ये नहीं जाना है कि ऑलरेडी जो प्री एस्टेब्लिश चीज है मैं उसमें फिट इन नहीं हो रहा, आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। जैसे अभी इन्होंने बात की कि पेपर वन के लिए अगर आप पेपर वन में ही अगर आपका पूरा कॉम्पिटेंसी हो जाता है डेवलप, तो आपको बहुत एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये तो इन्होंने अभी कही बिकॉज ये 2 साल 3 साल से पढ़ा रही है, बट ये चीज की अंडरस्टैंडिंग मुझे जब मैंने रिसर्च शायद टच भी नहीं किया था, आई गेस जब मैंने नेट टच भी नहीं किया था, एंड आई वॉज ऑलरेडी इन टू द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स विद IIM इंदौर, तो ये चीज ऐसी थी जो मैं पहले ही पिच इन कर चुकी थी, एंड आई वॉज लाइक इन थ्योरेटिकल टर्म्स में वो चीज बाद में पढ़ रही थी कि वो चीज क्या होती है, बिकॉज मैंने उसका लाइव एक्सपीरियंस पहले ले लिया था, और बिल्कुल, जब मैंने सोचा कि चलो अब नेट बिल्कुल, किया ना मैं जाए, थ्योरी से प्रैक्टिकल की जब तरफ गई, ये प्रैक्टिकल से थ्योरी की तरफ करेक्ट आई है। करेक्ट सो मेरे लिए उस थ्योरी को समझना फिर बाद में बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि ऑलरेडी लाइव एक्सपीरियंस मैंने वो गेन कर लिया था उस चीज का, बट अल्टीमेटली मेरा जो एजेंडा था, मेरे जो व्हाट वी से व्हाट आफ्टर 5 ईयर्स, तो मेरी जो वो जर्नी है दैट इज वे डिफरेंट। तो हाँ एक्सपीरियंस से डेफिनेटली आज वो एक्सपीरियंस से सीखा है, देन दैट इज व्हाई मतलब मुझे इतनी ग्रेटर क्लैरिटी है, एंड हम भी डिस्कस करते रहते हैं तो समटाइम आई ऑल्सो लेट हर नो कि आज ऐसा हुआ है, आज ये नई चीज निकल के आई है, सो डेफिनेटली वो चीज होती है, दैट इज लाइक
जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप एक्सपोजर करेंगे, तो चीज तभी मिल पाएगी आपको। इट्स बिल्कुल नॉट कि आज सही, हम बैठे हैं, हम क्या कर यस, रहे हैं, हो इट्स अबाउट रहा है कि नहीं हो रहा है। हंटिंग कि आप कहाँ फिट इन होते हो अपने 10, मैं मानती हूँ कि 10 भी बहुत ज़्यादा है, आप तो ऐसे 5 यूनिवर्सिटीज़ लिख लो और उस 5 यूनिवर्सिटीज़ करेक्ट। के पोर्टल्स को ध्यान से पढ़ लो, 5 बहुत कम होते हैं। नहीं, ध्यान से पढ़ लो, मैं तो ये कहूंगी एक एक चीज आप निचोड़ के पी जाओ। हाँ मतलब वही मेरा कहने का मतलब, निचोड़ के चीज़ पी जाइए आप उस चीज को, कि आपको क्या है, जैसे जैसे आप पढ़ेंगी आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं 2 साल पहले ऐसा ये चीज को मैंने हंट किया या नहीं किया, या मुझे कैसा पता चला, तो हाउ माई जर्नी वॉज स्टार्टेड वॉज जस्ट वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसने जस्ट आफ्टर सून आई डिड माई मास्टर डिग्री, वो लाइक कि IITs एंड IIMs में ऐसी पोजीशंस होती हैं, तो आई एम लाइक मैं फिट इन होती नहीं हूँ आपके IITs और आपके IIMs में, बिकॉज आई हैव डन माई मास्टर्स जस्ट फ्रॉम द स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एंड आई वॉज लाइक कि अब मैं कहाँ फिट इन होंगी इन सब चीज़ों में। वो जो एक वेग क्लियर पिक्चर रहती है कि भाई हम होंगे कि नहीं हो पाएंगे, हम हमारे अंदर एलिजिबल उतनी भी है कि कैपेबिलिटीज नहीं है, हैं, कुछ एलिजिबल। चीजें एग्जैक्टली जो फेस किया है वो शायद शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि सबके साथ सिनेरियो सेम नहीं रहता। देखो मैं आपको एक साफ बात बताती हूँ, ये पते की बात है, अगर आपने वो नॉर्मल वाला पाथ नहीं लिया है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी IIT से BTech नहीं किया है, IIT से कुछ अच्छा काम नहीं किया है, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं करी है और एक नॉन सेंट्रल यूनिवर्सिटी या एक छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से काम किया है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए वहाँ पर पहुँचने के लिए। इसके पास जीरो एक्सपीरियंस था बट वहाँ पे पहुंची, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्स फैक्टर होगा जो इंटरव्यू में देखा गया, इसलिए रखा गया। आपके पास में अगर वो एक्स फैक्टर नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डरी नॉलेज नहीं है, सो यू हैव टू फैच इट, आपको वो चीज़ अपने अंदर निकालनी पड़ेगी सो दैट आप एलिजिबल बन सको उन सब लोगों के बराबर। एक IIT से बंदा बैठा है और एक बंदा बैठा है जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी से है, तो ऑब्वियसली बात है कि देखने वाला तो यही सोचेगा इसने IIT आप से पढ़ा स्टेट है या यूनिवर्सिटी की नहीं। बात कर रहे हैं, मैंने तो प्राइवेट है, आप स्टेट हाँ की बात कर रहे हैं, मैंने हाँ तो वही प्राइवेट ना, से किया था, क्योंकि प्राइवेट वाला सो है या दैट फिर इज एक सेंटर वाला है या फिर एक IIT वाला है, तो देखने में लगेगा कि IIT वाले को ही ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि ये मिथ है कि भाई इसने IIT से किया है तो इसने कुछ अच्छा किया होगा। बट अगर आप प्रूव करना चाहते हो अपना पॉइंट, सो यू हैव टू हैव समथिंग स्पेशल, आपके पास में वो एक एक्स फैक्टर होना चाहिए। वही एक्स फैक्टर क्रिएट करने के लिए आज ये हम लोगों ने मीटिंग रखी, आप लोगों से बात करी। मुझे लोग बायस बोलेंगे कि क्योंकि इसका तो JRF हो गया तो ये तो बोलेगी ही, ये वाली चीज़ नहीं है। इसलिए मैं एक बंदी को लेके आई जो बिल्कुल कोर एक्सपीरियंस बिहाफ पर आपको चीज़ें बता रही हैं, और हमारा काम यही था कि हम कुछ भी एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर बोल के जाना नहीं चाहते थे, हम आपको कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस देना चाहते होगा कि आपके आंसर्स मैं लेके आऊँगी। इसीलिए ये चैनल ओपन किया है, मोटिव इस चैनल का यही है कि मुझे ये जो गैप है ना, ये गैप कम करना है, क्योंकि जब ये गैप 2 बच्चों के लिए, 200 बच्चों के लिए कम होगा, तो मुझे लगता है शायद फिर सभी लोग इसके बारे में जानने लगेंगे और एग्जैक्टली। आसान हो जाएंगी चीज़ें। ये हमेशा याद रखना, विसल ब्लोअर अकेला ही चलता है, और बट जब विसल करेक्ट, ब्लोअर कोई चीज़ अकम्प्लिश कर लेता है ना, तो वो सबके लिए कुछ बड़ा चेंज लेके सबके आता है। लिए कुछ ना चेंज लेके आता है, सो ट्राई एब्सोल्युटली। टू लाइक शायद हम एक पॉइंट में और ऐड ऑन करना चाहूंगी। लाइक अभी अपन ने पूरी टीचिंग से बात की, पूरी रिसर्च से बात की, एंड स्टूडेंट अगेन इनके माइंड में ये रहता है कि अगर ये भी नहीं हुआ तो व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटीज आपके लिए और ओपन है, इफ यू आर अ नेट क्वालिफाइड, आप PSUs में जाइए, जितने भी मिनी रत्न नवरत्न इंस्टीट्यूशन से, लाइक इफ आई से ONGC है, गेल है, सेल है, ये नेट क्वाल स्पेसिफिकली फॉर नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, एक जनरल एग्जीक्यूटिव के नाम से या जनरल ट्रेनी के नाम से, ये हर साल बल्क में बहुत पोजिशंस लेकर आते हैं, एंड स्पेसिफिकली फॉर नेट। इट्स नॉट अबाउट कि जो नॉन नेट है वो हंट कर पाएगा, बिकॉज ये नोशन हो गया है कि नेट वालों के लिए तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं बचती है, सारे JRF ले जाते हैं या एक्सपीरियंस ले जाते हैं। स्पेसिफिकली नेट क्वालिफाइड वालों के लिए, बिकॉज जिनका JRF हो गया उनके लिए तो एक पाथ पहले ही खुल गया कि नहीं, अब हमारे लिए ईजी है PhD करना। जो नॉन नेट वाला है वो वैसे भी एलिजिबल नहीं होगा, तो इट इज स्पेसिफिकली आई वुड से स्पेसिफिकली फॉर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट। आप ONGC, गेल, सेल, भेल, NGO, जितने भी बिल्कुल DRDO NGO, जो ISRO, ISRO इंजीनियरिंग ISRO, बैकग्राउंड के हैं वो इन सब लाइन में, बाकी आप फेच कीजिए, बिकॉज और बहुत ल्यूक्रेटिव पैकेजेस पे ये लेके आते हैं। आफ्टर प्रोबेशन ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर अगर आपका ये माइंड है कि नहीं मुझे नेट खाली एज एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेना था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में जाने का, मुझे अच्छी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाना है, मुझे मैनेजेरियल पोजिशन पे काम करना है,
तो ये दिस इज ऑल्सो वन वे कि आप नेट आपने क्वालिफाई किया, क्यों क्वालिफाई किया, जस्ट टू गेन सम एक्सपीरियंस। आप जाइए वेबसाइट को सर्च कीजिए, ईयरली बेसिस पे ऑल दीज मिनी नवरत्न नवरत्न अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं सबके लिए। इट इज अक्रॉस द डोमेन्स, मैनेजमेंट, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड एवरीथिंग वो लेकर आते हैं। आप चीजों को समझिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड स्पेसिफिकली नेट को ये लोग ज्यादा टारगेट करते हैं। एंड आफ्टर 1 ईयर ऑफ प्रोबेशन ये सीधा आपको परमानेंट कर देते हैं बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो दिस इज बिल्कुल ऑल्सो सही, लाइक बिकॉज वन ऑफ यहाँ द पे गुड एक ऑपर्चुनिटी। वो होता ना कि एक होता है जो एकेडमिक पर्पस पे आपके लिए आपको यू नो फ्लरिश करवाएंगे जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, और एक जो आपको प्रैक्टिकल पे, प्रैक्टिकल ये सारे आपके जितने भी राइट, PSUs हैं जो कि हमारे देश के प्रैक्टिकल लेवल के रिसर्च पे काम कर रहे हैं, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन मुझे लगता है कि जो नेट का एग्ज़ाम है उसका ये जो रिस्पेक्ट कम करने वाले लोग हैं ना, उनको आप थोड़ा चैलेंज करिए और उनको ये बताइए कि नेट का एग्ज़ाम का जो सिलेबस डिसाइड किया हुआ है, जो इसकी प्रायोरिटी डिसाइड की हुई है, ये बहुत बड़ी है और आपके समझ के परे है, इसलिए आप कहते हैं कि एग्ज़ाम क्या करना, ये करना, या तो SSC में लगे रहो, 25 लाख की जो भीड़ है उसके बीच में आप भी एक बंदे बन जाओ और करते रहो 5-6 फेजेस क्लियर, हाँ फिर जॉब मिल जाएगी आपको, मैं गारंटी करती हूँ। ऑब्वियसली क्लियर करोगे तो लगेगी ही, बट एक तरीका है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी स्किल पे हार्ड वर्क करिए। आपकी जो स्किल है, मैं उनमें से एक हूँ जिसने कंप्यूटर साइंस को सोचा था कि ठीक है मैं भी तो वही कर रही थी ना, सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे थे, बट सही टाइम पे शायद रियलाइजेशन हो गया और डिसाइड किया कि आज के बाद और कोई एग्जाम ही नहीं दूंगी, सिर्फ अपनी डोमेन का ही दूंगी। वो इसीलिए क्योंकि मुझे पता लग गया मेरे करेक्ट, डोमेन की पावर क्या है। और अब तो इंटीग्रेशन का ज़माना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मल्टी डिसिप्लिनरी पॉलिसी बोल रहे हैं, तो हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है और हर चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आना ज़रूरी है। इन सब के साथ में एक और ऑप्शन है जो रह गया है और वो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का, और वो तो एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट ही है, वो एक्चुअली में एब्सोल्यूट ऑफर है, बिकॉज पैकेजेस, उनका लाइफस्टाइल, उनका एक्सप्लोरेशन, उनका मेहनत, हम सब ये सारी चीज़ें देखते हैं, पैसा देखते हैं और वाह जर्मनी में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं देखते हैं कि वो आपको क्या एक्सपीरियंस देंगे। हमारी जो, जैसे हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो हेड है ना, उन्होंने भी ये चीज़ एक बार बोली थी, और वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन सेल में जितने बंदे बैठ रहे हैं ना, वो सारे के सारे किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से सिर्फ एक डिग्री करके आए हैं, और उनको डायरेक्टली आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, या फिर वो जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सीट होती है वो आपके पास में होती है। क्योंकि एक स्ट्रेट बात बोलती हूँ आम आदमी वाले भाषा के अंदर, कब तक पढ़ा लोगे एक ही चीज़, कब तक पढ़ाओगे, कभी ना कभी तो आपको भी अब मैनेजर बनना है, कभी ना कभी तो आपको भी एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है ना। बट वही बात है ना कि जो इंसान टीचिंग करके आया है वो बेहतर समझता है कि टीचिंग पॉलिसीज कैसे बनानी है, सो वो कैसे एक्सपीरियंस बनाना, गेन करो और वहाँ पर जाने की कोशिश करो। हम सबका गोल एक ही है कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक दिन जाके बैठ जाना है और काम करना है, बट वो कैसे आप पहुँचते हो वो डिफरेंट डिफरेंट बात हो सकता है। सो आई होप कि ये डिस्कशन फ्रूटफुल रहा होगा और हमने आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपके लाइफ के बहुत सारे प्रस्पेक्टिव ओपन किए होंगे। एंड थैंक यू सो मच भव्या कि भव्या भी यहाँ पर आई और उन्होंने हमारे साथ में इतने सारे डिस्कशंस किए, और कोशिश मेरी यही रहेगी इस चैनल के थ्रू भी यही है कि कुछ कर सके। मैंने जब भी चैनल खोला था तब भी मैं इसको बताई थी ये सारी चीज़ें कि मेरा मोटिव यही है, क्योंकि टीचिंग तो चलो चल ही रही है, वो तो कर ही रहे हैं, बट टीचिंग का अल्टीमेट निचोड़ क्या है, क्यों पढ़ रहे स्टेप्स हैं, क्या है, वो क्यों सारी कर रहे चीज़ें हैं। हम देने की कोशिश कर रहे हैं। सो एनी लास्ट वर्ड्स जो भी भव्या बोलना चाहें, अदरवाइज मेरी तरफ से ये रहता है सेट, एनीथिंग। डेफिनेटली लाइक थैंक यू, एंड आई विल बी ग्लैड अगर इस कॉन्वर्सेशन के बाद कोई भी आपको पिच कर रहा है इस चीज के लिए कि हम कैसे प्रोसेस कर सकें। सो डेफिनेटली डू लेट मी नो, आई विल गिव देम अ क्लियर पिक्चर, लाइक सिस्टमैटिक पिक्चर कि भाई आप ऐसे कीजिए, दिस इज द प्रोसेस, राइट प्रोसेस। एंड डेफिनेटली प्योर, चूंकि आई एम ऑल्सो प्योरली इन टू अकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो डेफिनेटली आई ऑल्सो वॉन्ट कि ये कहीं ना कहीं जाके एड ऑन करे चीजों को। आज मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ, यहाँ से जो दो निकल के जाएंगे वो डिस्कशन करेंगे। तो डेफिनेटली अगर हम आज इस डोमेन में काम कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वी वॉन्ट कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रूटफुल हो। तो डेफिनेटली मेरा भी यही रहता है कि मैं जितना एड ऑन कर पाऊँ किसी के लिए, कितना हेल्प कर पाऊँ किसी के लिए, लास्ट गोल मेरा भी यही रहता है। तो डेफिनेटली इसीलिए मैंने भी आपको इस चीज के लिए हामी भरी थी कि लेट्स गो विद दिस डिस्कशन, बिकॉज ये बहुत जरूरी हो गया। बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन, स्टिल पीपल आर स्ट्रगलिंग। आई हैव वर्कड 2 2 ईयर्स विद आई एम इंदौर, स्टिल पीपल आर स्ट्रगलिंग। अरे नेट हो गया, JRF हो गया, कुछ नहीं हो रहा। JRF हो गया यार, नहीं हो रहा, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा।
मैं एक ऐसी कैंडिडेट होती थी जो मैं हमेशा उनको ये बोलती थी, भाई ना मेरा नेट है ना मेरा जे आ रहा है, बट मेरा फिर भी होगा, तो यू हैव टू गो विद चिढ़ाने वाले दैट. चिढ़ाने वाले एग्जैक्टली. लोगों में से ये रही है हमेशा। फॉरेन यूनिवर्सिटी थोड़ा वाले वीडियो की बात हो रही है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी वाला वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे। जैसे इस वीडियो के लिए हमने काफ़ी हंट किया, रिसर्च किया, डिस्कशंस किए, पैनल डिस्कशन किए। तो आपको अगर पीएचडी में जाना है, रिसर्च करनी है, तो अगर आप आज फ्री बैठे हैं, आपको फाइनेंस में जाना है, अगर आप फॉर एग्जांपल फाइनेंस में रिसर्च करनी है, आपके फाइनेंस में रिसर्च करने में एट प्रेजेंट में कौन कौन से टूल यूज हो रहे हैं, ब्रश इट अप लाइक एनीथिंग. आप एक्सपर्टीज ले लीजिए. अगर आप कुछ नहीं करें, आप सोच रहे कि अभी मैं 1 साल बैठे 1 महीने बैठ के क्या करूँ, जितने टूल्स यूज हो रहे हैं, आप नेट पे देखिए कि आने वाले फ्यूचर में कौन कौन से एप्लीकेशन यूज होंगे, आप उस चीज में एक्सपर्टीज आज ही ले लीजिए, ताकि कल जब आप जाएंगे, बट इवन आपके पास कोड्स नहीं है और आप किसी ऐसे इंसान को पिचअप कर पा रहे हैं वो जो बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा है या ऑलरेडी वहां से कुछ कर रहा है, तो बहुत बहुत एक मिनिमल क्राइटेरिया होता है कि हाउ इंडियन रेजिडेंट्स कैन गेट इन टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज विदाउट एनी स्कोर और विदाउट एनी मिनिमल स्कोर, जस्ट बेस्ड ऑन SOPs. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बोलता है, बिकॉज मैंने हंट किए हैं वो चीज, तो वो चीज मुझे हंट करने के बाद पता चले दैट इट्स नॉट अबाउट IELTS, GMAT और TOEFL स्कोर, तभी हम फॉरन को पिच कर सकते हैं. वहां पे रिसर्च का बहुत क्रंच है, बहुत क्रंच है. एंड पीपल और हैव नोशन की जो इंडियंस SOP होते हैं बहुत उनमें नॉलेज है, बट वही प्रैक्टिकलिटी की नॉलेज भी बात है, और मुझे एक लगता है वो मुकाम. जो एक ओल्ड नोशन भी है ना कि इंडियंस बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो इंडिया अपने लेबर के लिए जाना जाता है, तो इसलिए भी वो लोग हमको बहुत प्रेफर करते हैं अरे कि हम लेबरस होते हैं। और साथ ही साथ SOP की जो इसने बात करी कि SOP तो है ही, अगर आप SOP अच्छे से पिच करते हो अपने उस इंटरव्यू के अंदर, जो एक इंटरव्यू आप लोगों के लिए होता है, उसके बाद में आपको वहाँ पे रख लिया जाएगा, परमानेंट बेसिस पे रख लिया जाएगा। और उसके लिए आप छोटा सा आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना होता है, दैट इज़ कि आप क्या उनके देश में रहकर उनकी भाषा समझ सकते हो। वो एक छोटा सा टेस्ट हाँ, होता है जो जो आपको इंग्लिश एग्जाम के लिए जो नेशनल. आपको देना होता है। तो वो चीज़ ऑब्वियसली मुझे लगता है कि अगर आज कोई पब्लिक स्कूल से पढ़ा है या नेट की तैयारी कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर इतना कॉमन सेंस होता है कि वो ये चीज़ें कर सकता है। और मेरी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि मेरे हैं एक जान में जो ऑलरेडी फॉरेन यूनिवर्सिटी से ही MBA करके आए हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि उनसे भी मैं बात करवा सकूं आप लोगों की कि कैसे उसने किया था साथ। खैर, वो सारी चीज़ें एक सेपरेट वीडियो में मैं डेफिनेटली लेके आऊंगी, क्योंकि उस पर भी मैं बैकग्राउंड वर्क कर रही हूँ जैसे इस वीडियो के लिए किया था। बट अल्टीमेटली कोशिश ये रही थी कि आपको सारी चीज़ें बता दी जाए कि क्या क्या आप कर सकते हो एक्सप्लोर। आपके जो भी सवाल रहे हैं वो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम दोनों का ही है, क्योंकि हम दोनों इस पॉइंट पे बात करना चाहते थे, बिकॉज वी वॉन्टेड एवरीबडी टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये एक पेक्यूलर पॉइंट है जिस पर आपको डिस्कशन करना चाहिए, सो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, नॉट जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू गेन व्यूज़ और एनीथिंग लाइक दैट। ये शेयर इसलिए करना है क्योंकि मेंटेलिटी पर आपको हंट करना है, उन लोगों के मेंटेलिटी पर हंट करना है जो अब तक वो रूढ़ीवादी बन के बैठे हैं कि नहीं 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 ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता, आज के ज़माने में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। अगर हम दोनों बैठ के यहाँ पर ये सारी बातें कर सकते हैं ना, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कुछ आप भी ये हो सकता है. समझिए। क्योंकि हमारी बातें कभी सीरियस रही नहीं, 5 मिनट से ज़्यादा हम कभी सीरियस बात ही नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि सब कुछ पॉसिबल है, राइट? तो शेयर ज़रूर करिएगा, उन सब लोगों तक पहुँचाइएगा, और बोलिएगा कि भले ही वीडियो थोड़ा बड़ा लगे उन्हें, 2x पे देख लेना, बट देख कर बताना ज़रूर, फीडबैक ज़रूर देना कि क्या आपको लगता है कि ये चीज़ है या नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूंगी कि इस तरीके के कंटेंट के लिए आप हमेशा ईगर रहेंगे, और हम भी मेहनत करते रहें इस तरीके के कंटेंट के लिए। तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू थिंक कि आपके लिए ये काम का है। और बाकी सब जो तरीके हैं, नेट का क्या वेटेज है वो तो मैंने आपको हमेशा से ही बताया है, तो कभी ये सोचना मत कि नेट करके क्या, नेट करके आपको एक विजन मिलेगा, एक क्लैरिटी मिलेगी, और उसके लिए अपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करो। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपने डाउट्स बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही नया लेके आने की कोशिश करूँगी।